सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन को जो है दोस्तों एज ए सीसीटीवी कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम जो है इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक सिंपल से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में यहाँ पे आपको सर्च करना है अल्फ्रेड कैमरा होम सिक्योरिटी ऐप। जस्ट ये ऐप को अपने डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इसको जो है ओपन कीजिए। यहाँ पे वन टाइम इसका आपको सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल, जस्ट उस पर टैप कीजिए और अपना जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन कीजिए। और इसके जो भी परमिशंस रहते हैं दोस्तों वो भी यहाँ पे आप जो है एक एक करके इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका जो कैमरा है वो ओपन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपके डिवाइस को फ़ोन को जो है कहीं पर भी रखना है जहाँ से आप अपना जो एरिया है कवर कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। अभी हमने जो है हमारा कैमरा पोजीशन यहाँ पे सेट किया है। अगर आपका कोई ओल्ड स्मार्टफोन है आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फ़ोन को आप जो है एज ए सीसीटीवी कैमरा जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आपको जो है दोस्तों ये जो फुटेज है अगर आपको व्यू करना है आपके दूसरे डिवाइस से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर में उसको जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं वो फुटेज को, वहाँ से लाइव उसका जो एक्शन है देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी एक वेब ब्राउज़र आपने पीसी या फिर फ़ोन में कहीं पर भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सेम सर्च करना है अल्फ्रेड कैमरा, इस तरीके से सर्च कीजिए और इसकी जो फर्स्ट लिंक है दोस्तों वो ओपन कीजिए। इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब व्यूअर का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आपने जो गूगल अकाउंट से लॉगिन किया था आपके ऐप में फ़ोन में, तो वही गूगल अकाउंट आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। यहीं पर सेम अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना है, तभी जाके आप जो है उसका एक्सेस आपने इसी में जो है ले पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है अभी सक्सेसफुल जो है लॉगिन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली वो जो हमारा फुटेज है यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए दोस्तों। अब जो है यहाँ से आप जो है उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप अपना स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आप अपने फ़ोन का जो फ्लैश लाइट रहता है अगर आप जो है उसको ऑन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है मिल जाएंगे। और एक बढ़िया चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, अगर आप अपना कैमरा स्विच करना चाह रहे हैं फ्रंट कैमरा रियर कैमरा, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सा एप्लीकेशन दोस्तों, अगर आपके पास डेड फ़ोन ओल्ड फ़ोन जो कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो फ़ोन को जो है दोस्तों आप एज ए सीसीटीवी कैमरा जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन में भी आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप जो है इसको पावर सेविंग मोड में रखेंगे तो आपका जो फ़ोन है ऑफ हो जाएगा, बट इसका जो कैमरा है दोस्तों वो ऑफ नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेविंग मोड में जो है दोस्तों वो चला जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप इजीली जो है आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जो है एज ए सीसीटीवी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।